शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, ऐड करनी पड़ती है। टूट रखा है और इसकी आँख पर पता नहीं किसने मारी आज, इसकी आँख मतलब एक खुल नहीं रही है बहुत। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो? आए अच्छे होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो शुरुआत हो गई एक नए दिन की, तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है राहुल और मेरे गांव का नाम है देवर, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एक सुंदर सा गाँव है और केदार घाटी में आता है। और सबसे पहले मौसम की बात करें तो अभी हल्की हल्की धूप लगी है और बाकी आसमान पैक है। और हमने नाश्ता कर लिया है और तैयारी हो गई है। मैडम जी जा रही हैं घास के लिए और मुझे जाना है गाँव में, आज ग्राम सभा की मीटिंग है तो वहीं जाना है। बाकी तो कुछ दिनों से ये बड़ा डब्बू बीमार है, पता नहीं इसके पैर पे क्या हो गया और कमज़ोर भी हो गया है और बहुत ही बूढ़ा भी हो गया है। बाकी इसका मतलब इलाज चला, दवाई डाल रहे हैं पर ठीक नहीं हो रहा है। और यहाँ पे छोटा डब्बू, ये देखो सुर का है, तो इसको भी खोल देते हैं, आज़ाद कर देते हैं इसको भी, क्योंकि सुबह से इसको बांध रखा है। चलो भाई आ जाओ, कम ऑन, ये देखो। और वहाँ पे बिल्ली भी है, ये देखो। चलिए निकलते हैं, ये विकास के लिए जाएंगी और मैं जाऊंगा गांव में। और हमारे साथ में आ रहा है डब्बू भी। और यहाँ नीचे देख सकते हो आप, टूट रखा है, आजकल बरसात के टाइम में यहाँ भी टूट गया। और डब्बू जाएगा मैडम जी के साथ और मुझे जाना है ऊपर गांव में और इनको जाना है यहाँ। चलो ठीक है, डट जाओ तब हैं, इनको जाना है यहाँ और मुझे जाना है ऊपर गाँव में इस रास्ते से। चल भैया। सो दोस्तों, जस्ट थोड़ी देर पहले अभी मैं मीटिंग से आया और जो काम था वो भी हो गया था। और काम ये था कि मतलब शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे राशन कार्ड में नाम जोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वही मीटिंग थी और वो काम भी हो गया है। और अभी थोड़ा अभी नहा के मार पाऊँ छत में, क्योंकि मौसम पैक है पर बहुत ज़्यादा उमस हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा नहा लेता हूँ। और अभी नहा के थोड़ा राहत मिल ली है और अभी छत में थोड़ा हवा भी चल लिया, तो बहुत ही अच्छा मौसम बना है। दोस्तों दोपहर के बाद आप देख सकते हो बाहर कंटिन्यू बारिश हो रही है और यहाँ पे डब्बू भी बीक के आ गया है और सुबह में सुर का है। देखो डब्बू, ये देखो क्या सुर का, एकदम फर्स्ट क्लास। अरे इसकी आँख पर पता नहीं किसने मारी आज, इसकी आँख मतलब एक खुल नहीं रही है, बहुत कम खुली ये वाली। किसने मारा? अरे यहाँ देखो, मतलब आजकल बारिश के टाइम बाहर जो गीला गीला रहता है और बाकी खाली हरियाली रहती है। तो दोस्तों अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और शाम के बाद मतलब वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला, बारिश ही बारिश आ रही थी और कुछ था भी नहीं कंटेंट। तो अभी मैं आ रहा हूँ अपनी मिट्टी के किचन में और अभी रात के खाने बन रहा है बैंगन का भरता। और ये हमारे घर के बैंगन है और यहाँ पर मैडम जी बना रही है, रोटी बना दी है यहाँ पर मैडम जी ने और बैंगन भी इनको अच्छे से बॉयल कर दिया है, ये देखो। और आज बनाएंगे बैंगन का भरता, बहुत ही टेस्टी होता है क्योंकि पहाड़ी बैंगन है। आपको खाने हैं तो हमारे यहाँ जाइए, हम आपको बैंगन दे देंगे। हाँ तो बना देना। और दोस्तों यहाँ पर रोटी बन के तैयार हो गई और ये सबसे बड़ी वाली रोटी है डब्बू के लिए, डब्बू के लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी रोटी बनानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा खाता है। और बाकी मंडवे और ये आटे की रोटी, हम हमेशा मिक्स रोटी खाते हैं। और अभी बन रहा है बैंगन का भरता, ये आप देख सकते हो ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। और अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही आसान होता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है, आपने खाया होगा। और पहाड़ी बैंगन का स्वाद तो कुछ ज़्यादा अच्छा होता है कि नहीं? आप कल आपको अपनी पॉली हाउस में जाएंगे, वहाँ आपको बैंगन दिखाएंगे। हाँ बैंगन तो वैसे मैंने दिखा दिए थे पर फिर भी एक दिन आपको पॉली हाउस की सैर कराएंगे अच्छे से। हम मतलब आज के टाइम पे अपने घर की सब्जियाँ खाते हैं। आजकल के मतलब पहाड़ी लोग ज़्यादातर मतलब अपने घर की सब्जियाँ खाती है, घर में ही उतना हो जाता है, आलू हो गया, बैंगन हो गया। अब तो हो जाता है कि अपने लिए, जैसा कुछ टाइम बाद बीन्स होने वाले हैं, हो रहे हैं, अब मक्का हो गया, मतलब पहाड़ों में। अरे सबसे ज्यादा इंतजार तो मुझे मक्का पकने का है क्योंकि मक्का बहुत अच्छा होता है। हमारे खेत का देखो, अभी खाना खुना खा के यहाँ पे बैठे हैं और डब्बू इनकी बातें सुन रहा है यहाँ पे, ये देखो डब्बू। पैर चाटने बैठ गए। तो दोस्तों अभी रात का खाना भी हो गया है, तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको नए ब्लॉग में, तब तक।
तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।